से वाइब्रेट होके एक पत्थर गिरा है, वो पत्थर गिर के यहाँ पे ऊपर से गिर के बीच में टकराया है, टकरा के फिर यहाँ पे जाके लगा हुआ है, ये देख सकते हैं ये। और ये पूरा कांच जो है झड़ गया अपना, पूरा चला गया। तो यार अच्छा हुआ कि मैं अंदर बैठा था, मेरे ऊपर नहीं गया ना सर, और फूट जाता तो पता नहीं क्या होता, समझ में नहीं आ सकता था। हेलो दोस्तों, अभी लंच का टाइम था, अभी देख सकते हैं मैं अपने मशीन पे ही बैठा हूँ, ये रही सीट, इसी सीट में मैं बैठा हूँ। अभी दोपहर का 12 बजा हुआ है, ठीक है, 12 बजे हमारे इस खदान में लंच हो जाया करता है। तो मशीन मैंने अभी यहाँ पे साइड में लेके रखा हुआ था, तो रुकिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि हुआ क्या है यहाँ पे आज। नीचे उतर जाने दीजिए, ये देखिए ये मशीन खड़ी है यहाँ पे, देख सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको ये खदान दिखाई दे ही रहा होगा, वहां पे एक मशीन खड़ी है ना, और ये मशीन मेरी यहाँ पे खड़ी है। अभी 12 बजे यहाँ पे ब्लास्टिंग था, अभी देख सकते हैं वहां पे पत्थर है ना, वो जो स्टाक दिखा रहा है वहां पे पत्थर, वहां पे ब्लास्टिंग था, तो मैं उस साइड मशीन लेके नहीं गया था, ठीक है, इधर से लेके वहां पे लोडिंग चल रहा था, वहां पे ब्लास्टिंग था और उधर में एक मशीन खड़ी है, तो मैं वहां पे लोडिंग करते हुए यहां से लेके आया और यहां पे खड़ी कर दिया, ठीक है। ये ऊपर में देख सकते हैं धड़ी है, और इधर से रोड गया हुआ था, तो मैं क्या किया, यहीं पे मशीन खड़ी कर दिया था और इसी मशीन के अंदर में बैठा हुआ था। तो हुआ क्या कि यहाँ से ब्लास्टिंग जब हुआ तो यहाँ से वाइब्रेट होके एक पत्थर गिरा है, वो पत्थर गिर के यहाँ पे ऊपर से गिर के बीच में टकराया है, टकरा के फिर यहाँ पे जाके लगा हुआ है, ये देख सकते हैं ये। और ये पूरा कांच जो है झड़ गया अपना, पूरा चला गया है, अभी देख सकते हैं ये पूरा लाइन बाई लाइन बन गया, इसका मतलब ये कांच टूट गया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, समझ में आ रहा होगा। और इस साइड भी ये गैस वाला कांच होता है, इसके वजह से ये एक जगह पत्थर लगने पे पूरी कांच चला जाता है, जहाँ तक ही रहता है कांच, ठीक है। ये देख सकते हैं चैन में भी छोटे छोटे मेटल्स गिरा हुआ है, समझ में आ रहा होगा। तो यार अच्छा हुआ कि मैं अंदर बैठा था, मेरे ऊपर नहीं गया ना सर, और फूट जाता तो पता नहीं क्या होता, समझ में नहीं आ सकता था। तो मेरे को यार बहुत ज़्यादा डर लगा, ये देख सकते हैं इस तरह का पत्थर कभी भी गिर जाता है, तो मैं आगे कहाँ लगा सकता था मशीन। अभी आप देख सकते हैं इधर, ये कहीं भी रोड में कहीं भी मशीन लगाएंगे तो इधर धड़ी तो है ही है, ये सब देख सकते हैं मशीन यहाँ पे है और मैं ऐसे लगाया था, और वहाँ पे उधर में लेके जाता तो उधर में और नज़दीक कहलाता, और नज़दीक में ब्लास्टिंग हो जाती, वहाँ पे भी मशीन वो वाली मशीन जो खड़ी है वो और नज़दीक में थी, लेकिन वहाँ पे पत्थर नहीं गया और यहाँ पता नहीं कैसे आ गया, पता नहीं यार, साला नुकसान हो गया इतना बड़ा, आज क्या कह सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं ऊपर ऑफिस में फ़ोन करके बता दिया हूँ, देखने आने वाले हैं, देखते हैं क्या बोलते हैं। अब इसमें मेरी क्या गलती है, ऊपर से पत्थर आ गया, उड़ के आ गया तो लग गया, हो गया 4-5 हज़ार का नुकसान हो ही गया, ये कांच 4-5 हज़ार से नीचे का नहीं ना आएगा, 4-5 हज़ार से कम का इसका प्राइस नहीं होगा। अब नई नई मशीन है और पहली बार ये कांच चला गया इसका यहाँ पे, मैं यहाँ पे बैठा हुआ था ऐसे, है ना, और ऊपर से पत्थर गिरा यहाँ से और आके लग गया, ये वाला गेट इस तरह से बंद किया था मैंने। तो मशीन में एक कांच झाड़ने वाला टूल्स रखा हुआ रहता है, ये देख सकते हैं, इसको यहाँ से निकालते हैं, ये कांच तोड़ने का ही होता है, इमरजेंसी में कभी मतलब गेट वोट लॉक हो जाए तो यहाँ से ऐसे ठोक करके, ऐसे हथौड़ी मार करके, छोटी सी हथौड़ी है कहा जाए तो, ऐसे तोड़ करके और बाहर निकलने के लिए ये टूल्स दिया जाता है। तो चलिए इससे ठोक करके झाड़ देते हैं, नहीं तो ये पूरा ऊपर गिरेगा अपने यहाँ पे। दोस्तों ये ठोकने से अभी नहीं झड़ रही है, तो इसको जानबूझ के मैं नहीं तोड़ता हूँ, देखता हूँ कब तक रहता है, तो रहने देते हैं, हालांकि ये रुकेगा नहीं, ये देखिए जब तक है तब तक लगे रहने देते हैं, अन्यथा ये वाला जो ये रबड़ है ना, रबड़ भी निकल के बाहर आ जाएगा। पूरी मशीन तो आप जानते हैं केबिन पूरा कांच कांच का ही होता है टोटल, अभी जो एसी वगैरह काम नहीं करेगा, एसी काम करेगा लेकिन ठंडा नहीं होगा केबिन, पूरी तरह से हीट होने लग जाएगा। ये देख सकते हैं दोस्तों मशीन एकदम नई नई है, मशीन में अभी कहीं भी मतलब दाग नहीं आया है, और ये पहला मतलब ऐसा है कि कांच टूट गया, 1 साल की मशीन हो गई है लेकिन अभी बेल मेंटेन है, ज़्यादा नहीं चली है, 1600-1700 घंटे के आसपास चली है अभी ये मशीन। अब आगे वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है, देख सकते हैं मेरी मशीन का कांच फूट गया, कांच फूट गया इसके लिए थोड़ा सा शरीर के अंदर डर भी हो गया है और मन भी नहीं कर रहा है वीडियो बनाने के लिए, ठीक ना, नुकसान हो गया आज मेरे से तो इसके लिए।
तो चलिए, आई होप कि आप लोगों की वीडियो पसंद आई होगी। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।